रामविलास पासवान, मीरा कुमार और मायावती एक ही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। यह लोकसभा का एक ऐसा उपचुनाव था जिस पर पूरे देश की निगाहें थी। 38 साल पहले यह चुनाव हुआ था और तब देश विदेश का मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा था क्योंकि दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। यह चुनाव बेहद दिलचस्प हुआ था और नजदीकी मुकाबला भी था, इसलिए लंबे समय तक इस चुनाव की देश में चर्चा हुई। कांग्रेस के उम्मीदवार मीरा कुमार ने लोकदल के उम्मीदवार रामविलास पासवान को हरा दिया था, जबकि मायावती तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। 1984 में कांग्रेस के सांसद गिरधारी लाल के निधन के बाद बिजनौर लोकसभा सीट खाली हुई थी। 1985 में उपचुनाव हुआ था बिजनौर सुरक्षित सीट से। कांग्रेस ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और दलित नेता जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया था, जबकि लोकदल ने रामविलास पासवान पर दांव खेला था। पासवान का खेत जोतता किसान चुनाव चिन्ह था, जबकि मायावती निर्दलीय चुनावी मैदान में थी क्योंकि तब तक बसपा को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन मायावती उस वक्त तक अपनी पहचान खूब बना चुकी थी क्योंकि 1984 में उन्होंने कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। ऐसे में यह चुनाव खूब चर्चित हुआ था। धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान नारा भी इस चुनाव में खूब गूंजा था। यह चुनाव हाई प्रोफाइल चुनाव था। मीरा कुमार के समर्थन में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे ही जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी फौज को 2 से 3 दिन तक बिजनौर में उतारे रखा था। वहीं रामविलास पासवान के समर्थन में मुलायम सिंह यादव, शरद यादव समेत कई दिग्गज नेता बिजनौर में कई दिनों तक डेरा डाले रहे थे। इस चुनाव में अहम बात यह भी थी कि मीरा कुमार और रामविलास पासवान दोनों ही बिहार के निवासी थे। कांटे के इस मुकाबले में मीरा कुमार ने रामविलास पासवान को 5,346 वोटों से पराजित किया था। इस रोमांचक चुनाव में मीरा कुमार 1,28,101 वोट लेकर विजय हुई थी, जबकि रामविलास पासवान को 1,22,755 वोट मिले थे। इस चुनाव में सबसे चौंकाने वाला परिणाम मायावती का रहा था। दिग्गजों की दौड़ में मायावती ने 61,506 वोट हासिल किए थे और वह तीसरे स्थान पर रही थी। मायावती के बारे में एनबीटी में बिजनौर टाइम्स के संपादक सूर्यमणि रघुवंशी ने लिखा भी था कि मायावती के भाषण बहुत तीखे हुआ करते थे, शब्दावली अटपटी थी, दलित विमर्श का नया दौर शुरू हुआ था। मायावती नई राजनीति के रूप में आई थी और अपने शब्दों को लेकर चर्चा में आ जाती थी। खैर, उस वक्त के 3 युवा दलित नेता आमने सामने थे, लेकिन आगे चलकर तीनों ने ही राजनीति में बड़े मुकाम हासिल किए। उम्मीद है कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारी आपसे अपील है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। नमस्कार।